प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं एसटी कॉलेज नरवाना में, और नरवाना वाली छोरिया ने कति तोड़ पाड़ रखा, जित भी देखा है उड़े दुम्मे ठा रखे हैं। बात करें अगर कुरुक्षेत्र रत्नावली की, तो उड़े सांग में फर्स्ट ट्रॉफी लेकर आई है, पहली ट्रॉफी इनके नाम है। और 5 साल तक पूछो ना ओवरऑल ट्रॉफी जीतन लग रही है, तो सारी की सारी मारी गेल्या है। और एक छोरी तुम्हारी जो है गेल्या, इसका नाम तो मैंने बेरा कौन है, पर मैंने इसका रत्नावली में क्या नाम है, पूनम, रत्नावली में इसका देखा था, नुक्को सुते लठगाडे थी, और वो भी अपनी बोली में। राम राम भाई पूनम है। राम राम जी। मैंने रत्नावली में देखे थे, कसुते लठगाड रखे थे। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। थोड़ा बोल के और दिखा दो कुछ ना कुछ। के बोलू नू कोना काम चल है के बोल के बताऊं? बताओ तो अपने कॉलेज के बारे में बता दे। मारा कॉलेज छोटा सा शहर नरवाना में है, लेकिन फिर भी वो झंडे लग रहा गार्डन लगातार 3 साल तक। मारा रत्नावली में सांग फर्स्ट आने लग रहा है, दुमे ठहरे हाँ मारी छोरी छोरिया तक कम सके ना, दो कदम आगे से। धन्यवाद मैम। तो सर हमारे साथ में राम राम सर। राम राम। तो सर एक बार पहले तो आप ये बता दो, अपना नाम बताओ, और उसके बाद ये बताओ कि ये घनी ट्रॉफी ले दिखा हाथ में, तो कित कितना जीत कर ले आई है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार करना चाहता हूँ, और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं एसडी कॉलेज में म्यूजिक प्रोफेसर जसवीर उझाना मेरा नाम है, और लगातार 5 साल से मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। और लगातार 5 साल से हम ओवरऑल ट्रॉफी चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की, चाहे वो जोनल की चाहे वो इंटर जोनल की, हम जीतते आ रहे हैं। और रत्नावली में भी हमारा सांग हर बार लगातार से फंस रहा है, और हरियाणा की पहली ऐसी टीम है सांग की जो लगातार से लड़कियों की जो रत्नावली में फर्स्ट आ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूं कि हमारी प्राचार्य, हमारी मैनेजमेंट, हमारा पूरा महाविद्यालय तो सपोर्ट करता है, लेकिन इन लड़की ये लड़कियां, सरकार का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी तक हमारी इन बेटियों को कभी भी सरकार की तरफ से कोई भी मान सम्मान नहीं मिला है। या हमारे इस क्षेत्र के MP MLA या मुख्यमंत्री जी, मैं राज्यपाल महोदय, कोई भी सरकार की तरफ से इन बच्चों को कोई मान सम्मान नहीं मिला है। एक लड़के, क्योंकि हरियाणा का फोक थिएटर है सांग, आज दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को देखिए कि बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हुए उस फिल्म ने, और हमारे हरियाणा के लिए प्राउड है उसके लिए। तो ये लड़कियाँ भी ऐसा ही काम कर रही थी। एक समय था कि सांग लड़कियाँ देखना भी मनाही थी, लड़कियाँ देखती भी नहीं थी, लेकिन इनके पेरेंट्स को इतना सल्यूट है और इन बच्चों को इतना सल्यूट है कि एक इतनी डिफिकल्ट विधा जिसमें गायन, वादन, नृत्य, एक्टिंग सभी विधाओं का मिश्रण है, हरियाणा का फोक सांग, और हमारी धरोहर है सांग। सांग दादा लक्ष्मी जैसे, धनपत राय जी जैसे, पंडित बाजे भगत जी जैसे सांगी हरियाणा की धरती पे हुए, लेकिन ये लड़कियों का पहला महाविद्यालय है जो ऐसा प्रयास कर रहा है। और ये सपना हमारी प्राचार्य डॉक्टर अंजना लोहान मैम का था कि लड़कियां आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन एक सांग विधा ऐसी थी, 42 इवेंट पूरे कल्चरल एक्टिविटी में होते हैं, उनमें से सांग की कोई भी टीम ऐसी नहीं थी, तो हमारी मैडम ने ऐसी टीम बनाई और इसका काम मेरे को सौंपा, और मैं भी इन बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। और मुझे खुशी होती है कि इस हमारे महाविद्यालय का नाम पूरे हरियाणा में नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान में छा हुआ। और मैं सरकार से और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से एक बार प्रार्थना करता हूं कि एक बार इन बच्चों को आप मिल ही क्यों ना ले, अपना आशीर्वाद क्यों ना दे, कि लड़कियां और लड़कियों को भी प्रेरणा का काम कर रही है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं, और आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और इन बच्चों की आवाज को आप सरकार तक पहुंचाए, ताकि ये बच्चे आगे बढ़े और आने वाली हमारी सांग की विधा को बचाया जाए, जिंदा रखा जाए। क्योंकि गीता महोत्सव पे हमने हमारे सांग की परफॉर्मेंस हुई, और आज तक और कोई भी सरकार की तरफ से इन लड़कियों को, इस टीम को निमंत्रण नहीं मिला कि बड़े बड़े सेलिब्रेशन हरियाणा में होते रहते हैं, कि इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और इस टीम को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि हम हमारी सांग की फोक जो विधा है उसको बचा सके। बिल्कुल। देखो अगर सांग की बात करें तो हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है, कदे तो चालती आन लग रही है। देखो यह बात सुनकर तो बड़ा दिल खुश हो गया था कि ये छोरी जीत का आई है, लेकिन दूसरी तरफ सर ने बताया कि ईवती सरकार की तरफ तय या यहाँ के आसपास के जो भी राजनीति वाले हैं, किसी ने मतलब इन तय कभी भी ना कोई पुरस्कार दिया है, ना सरकार ने कोई बुलावा दिया है, तो इस बारे में जरूर कहेंगे कि जरूर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जब इन बच्चों को प्रोत्साहित कराया जाएगा, जब ये आगे बढ़ेंगी उस चीज़ ने आगे लेकर चलेगी। यह बात एक सर ने साची कही कि पहला लड़कियाँ ने सांग देखना भी मना था, आदमी सांग देखा करते, सांग में किससे होया करते, ज्ञान होया करता, पुरानी जो कथा होया करती वे किससे माया करती, तो इन छोरिया तय पूछ ले निकड़े तो सीखा सांग और क्यों कर बेरा पट्टा कि सांग हो के है और कड़े तो चलता आ रहा है। अगर सांग की बात करें और दादा लक्ष्मी का नाम ना वैसा हो ना सकता, सांग वाली छोरी कौन सी इनमें तय। राम राम गुड़िया। राम राम जी। नाम के वे? प्रीति जी। प्रीति। हाँ जी। तो वे सांग में मतलब जो थारी पूरी की पूरी उसमें फर्स्ट आवा है, तो उसके बारे में बताओ, कड़े तो सीखा और क्यों कर मन करया कि हमने इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। देखिए मैम, सांग का तो पहले मुझे भी नहीं पता था, और
जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो सर ने मतलब कि हमारे सर जो म्यूजिक के प्रोफेसर हैं जसवीर सर, मतलब इतना हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, हमें सिखाते हैं। पहले मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था, अब सॉन्ग करने का मन करता है क्योंकि उसमें बहुत सारी पुरानी सी चीज़ें बताई जाती है। पहले सर ने बताया लड़कियों को मना करते थे सॉन्ग देखने के लिए, लेकिन जब हम सॉन्ग करते हैं ना हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है। उसमें रागनी सुनाई जाती है, जो पूर्णमल का किस्सा वो सुनाया जाता है, हर प्रकार के सॉन्ग सुनाए जाते हैं उसमें। देखो जो आप बता रहे हो कि इस प्रकार से किस्से सुनाए जाते हैं, हर एक सॉन्ग में अलग अलग किस्से सुनाते होगे आप, तो मतलब कौन आपकी तैयारी करवाता है? मतलब हमारे सर करवाते हैं, जसवीर सर जो म्यूजिक के प्रोफेसर है एसडी कॉलेज में, वही करवाते हैं सब तैयारी, रागनियां वगैरह सब, म्यूजिशियन पार्टी वही करवाते हैं सब। आपने बेरा मतलब सुना है कि एक टाइम ऐसा होया करता जब सॉन्ग होया करते दादी ताई सर पे पीढ़े दर दर जाया करते कि आज तो सॉन्ग होने लग रहा है, सॉन्ग देख आओगे? बिल्कुल जी, मैंने भी पहली बार सॉन्ग किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आनंद आया, और मैं तो जब तक इस कॉलेज में हूँ सॉन्ग ही करती रहूंगी क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बन गया जी सॉन्ग में। करना चाहिए, बिल्कुल सॉन्ग करना चाहिए। और कौन सी गुड़िया है? राम राम पे। राम राम जी। नाम बता दे। मेरा नाम समीना है जी। समीना। हाँ। समीना ने वो बता दे सॉन्ग में कौन सा रोल अदा कर रहा है जी? मेरा अब की बार सॉन्ग में रानी का रोल था, एक लेडीज का, तो हाँ राजा हरिश्चंद्र सॉन्ग था हमारा, और जो हमारे मदनावत था मेरा नाम, मतलब जो रानी का रोल था उसमें मेरा नाम मदनावत था, रानी का रोल किया था। और जो मतलब पूरा जो सेटअप था, जो सिखाना बुझाना याद करवाना कैसे रोल करना है, कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, कैसे स्टेज पे शो करना है, और एक मतलब पब्लिक के साथ अट्रैक्शन जो करना है कि कैसे समझाया जाए पब्लिक को, ये हमारे जसवीर सर, हमारे प्रिंसिपल मैडम, हमारे सुशील सर, हमारी प्रिंसिपल वॉइस प्रिंसिपल मैडम नैनदीप मैडम जी और डॉक्टर अंजना लोहान मैडम जी, तो इनके सपोर्ट था तभी हम यहाँ तक खरे उतरे इस चीज़ तक। बिल्कुल, मतलब देखो अगर ये तैयारी ना करवाओ तो न्यू मेरा उतना सॉन्ग होगा कि है नहीं जी, मतलब जो भी यहाँ तक आने का जो मैन जाता है वो हमारे सर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले, मतलब हमारे कॉलेज को जाता है सर। मतलब एक साफ सुथरी छवि का सॉन्ग। हाँ बिल्कुल। हाँ मैडम। अच्छा न्यू बता गुड़िया मतलब जैसे लड़के और लड़कियां दोनों का रोल होता है। हाँ। तो मतलब लड़कियां ही कर लेती हैं सारा रोल? हाँ कर लेती हैं। अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से, लड़कों से भी अच्छे तरीके से। मन्नत इन छोरियां ने देख कैसा लगा, सर ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा बेटे पढ़ाओ और बेटे बचाओ। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमने सबसे पहले दादा मांगेराम जी का सॉन्ग किया था जयमल फत्ता, वो भी हमारा रत्नावली में फर्स्ट रहा। उसके बाद हमने नौरतन का किस्सा किया, वो भी दादा मांगेराम द्वारा रचित था, वो भी बहुत लोगों ने वहाँ पर लाइक किया। और उसके बाद पूर्ण मल का सॉन्ग, जो पूर्ण भगत माने जाते हैं, उनका सॉन्ग दादा लक्ष्मीचंद द्वारा रचित था, वो भी हमने रत्नावली में प्रस्तुत किया। और उसके बाद अब की बार राजा हरिश्चंद्र का सॉन्ग हमने वहाँ पर प्रस्तुत किया। वहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि 80-80 साल के जो बुजुर्ग हैं हमारे, हमारी बेटियों का आशीर्वाद देते हैं, और ये बच्चे इतनी एक्टिंग और इतना ज़बरदस्त इनका गायन होता है, इतना अच्छा इनका मंचन होता है कि लोग वहाँ पर रोते हैं। रियल जो राजा हरिश्चंद्र की कथा है, सतयुग की कथा है, वो इन्होंने साक्षात इस कलयुग में प्रस्तुत करने का इन बच्चों ने प्रयास किया। तो मैं इन बच्चों को भी और इन बच्चों के माँ बाप को भी बधाई देना चाहता हूँ, और मेरी टीम के जितने भी सदस्य हैं जो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, भाई सोनू भगाणा जी, भाई सुशील उजाणा जी, रमेश खां साहब, जितने भी मेरी टीम के सदस्य हैं, उन सबकी मेहनत है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, बच्चे मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी हम इस मुकाम पर पहुँचे। और हमारी संस्था का हमारे सिर पर हाथ है, हमारे सेक्रेटरी श्री जियालाल गोयल जी, हमारे उपप्रधान, हमारे प्रधान श्री सुरेश सिंघल जी, और लाला गौरी शंकर जी ने इस संस्था की नींव रखी थी। तो उनका सपना था, उस समय प्राचीन समय में भी उन्होंने बेटियों के लिए एक संस्था खोली, और आज हम उनके पदचिन्हों पर चलकर बेटियों को एक नई ऊर्जा और एक नई मंजिल और एक नई उड़ान देने का हमारा प्रयास है कि उनके सपनों को कैसे हम साकार कर सके। वही उद्देश्य हमारी प्राचार्य का, वो हमारे प्रत्येक स्टाफ सदस्य का और प्रत्येक बच्चे का सपना है कि हम बेटियों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। देखो सर एक और चीज़ है, जैसे आपने बताया कि राजा हरिश्चंद्र पे मतलब जो रही हुआ कथा तो इनने वह करी है सांग में, तो इससे पता भी चल रहा है उन्हें कि मतलब के कौन राजा हरिश्चंद्र होया करता, बिल्कुल, बिल्कुल। कौन ना तो पता ही नहीं चलता मतलब कौन थे कौन रहे, या गाने वाली पीढ़ी भूल जाएगी उन्हें, लेकिन सांग इसी चीज़ है वो दोहरा होगा अपने आज अगर हम बात करें तो हमारा युवा भटकता जा रहा है, क्योंकि हमारा सांग से हमारी प्राचीन कथाएं, हमारी देशभक्ति, हमारा अध्यात्म सब चीज़ जुड़ी हुई थी। लेकिन आज डीजे का ज़माना है जिसमें ऐसे ऐसे सॉन्ग, ऐसे ऐसे गीत गाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। और हमारा प्रयास है कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार बचेंगे तभी हमारा प्रांत और तभी हमारा देश बचेगा। तो सॉन्ग हमें अपने संस्कारों की तरफ लेके जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ ले जाता है कि किस प्रकार की कथाएँ हमारे देश में होती थी, कैसे कैसे महापुरुष हमारे देश के अंदर होते थे, और उन महापुरुषों ने हमारे देश के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, और किस प्रकार
प्रकार से हम आने वाले युवा पीढ़ी को भी उनके उन सपनों को उनके उन पचनों पर ले जाकर हमारे देश को दोबारा से सक्षम और विश्व गुरु बना सकते हैं। कुड़िया राम राम। राम राम। नाम बता दे। मेरा नाम स्वाति है। अच्छा स्वाति न्यू बता दे, जब बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे ना आकन है तो किसा लग है? जमा मजा आ जाए। बता दे घीसा गल है। घीसा गल जाए सच में। और ये मेरे साथ हैं, मेरा दायां हाथ है, मेरे बड़े भाई हैं सुशील उजाणा, जो लगातार हम 20 साल से यही काम करते हैं। मैं यहाँ ज्वाइन से पहले भी मैं अदर कॉलेजों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, बच्चों को हरियाणा की संस्कृति की जितनी विधाएं हम सिखाते हैं, और इसमें जो खास रोल रहता है इन मेरे भाई का रहता है। और मैं इस चैनल के माध्यम से इनको भी कुछ बोलने के लिए कि या इन बच्चों को या इस चैनल के माध्यम से जो भी प्रेरणा इन बच्चों को देना चाहें या चैनल वालों को देना चाहिए हरियाणा की संस्कृति के बारे में ये क्या कहना चाहते हैं, तो इनके भी शब्द आप बिल्कुल सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार। मैम पहले तो मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आपको मैं साथ लाइव इंटरव्यू कर रहा हूँ। मैं आपकी पोस्ट देखता था और मेरे को मतलब मैं सोचता था हाँ आज बहुत खुशी हुई है मैम। और मैं हारमोनियम प्ले करता हूँ और सभी बच्चों से मतलब बताना चाहता हूँ कि जितने बच्चे अपनी पुरानी कथा सुनेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज होगी, ज्ञान होगा। धन्यवाद मैम। तो या गुड़िया आप बोल रही थी कुछ ही बता छोरी जमा घीसा गल जाए जब भी बड़े बुजुर्ग मामना आशीर्वाद देवे बहुत मजा। देखो बड़े बुजुर्ग तो रही बैठा करो बहुत कुछ सीखने। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तो दादा दादी को नहीं लेकिन नाना नानी दोरे जब भी जाऊं तो बहुत अच्छा लगे। एक गुड़िया को सी बोलना चाहो है? आइए गुड़िया बता दे, नाम बता दे पहले। तो मेरा नाम मंजीत है, मैं एमए प्रीवियस में हूं। अच्छा के कहना चाहो इन्हें बता दे। मैडम जी गीत गा के सुनाना चाहो। हम थिएटर से हैं। अच्छा थिएटर से हैं। हमने इस बार रिचुअल किया था। रिचुअल में हमने पुरानी संस्कृति दिखाई, पुरानी संस्कृति के बारे में दिखाते हैं। उसमें हमने इस बार दिखाया था थप्पे कैसे लगाते हैं, उस पर गीत गाते हैं। तो हम हर बार रिचुअल करते हैं, बहुत मजा आता है रिचुअल करते हैं। तब पुरानी संस्कृति के बारे में दिखाते हैं कि हमारे यहाँ बोकड़ा कैसे गाया जाता है, पानी कैसे भरा जाता है, छठी कैसे गाई जाती है, उन पे गीत गाए जाते हैं, कैसे नाचा जाता है, वो पुराना। और हमारे पवन सर हमारे डायरेक्ट करते हैं हमें। तो देखो अच्छी बात है कि मतलब जो पुरानी चीज भूलते जान लग रहे हैं ना, और सब तक फालतू मतलब जितनी तकाजे का मतलब मारा रही है ना उन चीजा ने भूलता जान लग रहा है, और कौन सा भी अपने कल्चर ने नहीं भूल लग रहा। लेकिन कितने ना कितना खुशी भी हो कि हमारी नई छोरी इस चीज ने उल्टी लेकर लग रही है, को ना भूलने दे मैं नहीं भूलने देंगे मैं। तो पूनम बताओगी कुछ ना कुछ मैम गीत सुनाना चाहेंगे। हाँ सुना दो। ए मीरे गए बहुत कमाई मन दिन देखा ना रे सोने में पीली कर दी चांदी के दिए छोरिया ने सीख लिया या भी बहुत बड़ी बात है। और एक और चीज होया करा सुनाइयो वो भी सुनाएंगे कि ना कोई ताल ना कोई ढोल और उसके बिना इतनी कसूती लहला दी है। सुना दो बबल प्यारे ने, ओ बबल प्यारे ने कर दिया गया मुखलार, बबल प्यारे ने, ओ माए प्यारे ने, ओ माए प्यारी ने मेरे सारे दिल दिखाए, माए प्यारे ने, ओ बबल करो ने, ओ बबल प्यारे ने, ओ बबल प्यारे ने मेरे कर दिया गया मुखलार, बबल प्यारे ने, ओ माए प्यारी ने, ओ माए प्यारी ने मेरी सारी दिल दिखाई, माए प्यारी ने, ओ बबो नखरो ने, ओ बबो नखरो ने मेरी आधी दिल कोई, बबो नखरो ने, ओ जुलमी बीरे ने, ओ जुलमी बीरे ने मेरी सरद पैरे टोरी, जुलमी बीरे ने, ओ ले बे छोरियो तुमने देख के तो ऐसा लग गया है कि हमारी हरियाणा की संस्कृति कितनी जाती है। न्यूकी नूर होगी। और कुछ कहना चाहो?
मैं पूनम डांस करना चाहती हूँ। छोरियो सही में तोड़ फाड़ो तुम ते मेरे ख्याल में नहीं होता तुम दादी ताईया नहीं पाछे छोड़ दोगी है लागी रहो बे बेकती अच्छा लगा और भी नए नए गीत सीखा करो। एक और बता दूं एक टीम है इसारत है रियावणी कमलेश मोर की आपने देखी होगी तो वे भी नहीं थारे गीत गीत गाया करा जड़ा भी जाएंगे दमन कुर्ता चुंदड़ी पहरा करा तो तुम लागी रहो और हम थारी गिल्या है ठीक है। तो ये है एसडी कॉलेज के हाँ एसडी कॉलेज की छोरियां हैं इन छोरियां देख कर तो फिर वो आए मैं कहूँ थी अभी आगे टूटना पड़ेगा कि छोरियां ने पढ़ाओ और छोरियां ने बचाओ यो ना लड़ना पड़ेगा तो इन छोरियां ने तो धुम्मे ठा रखे हैं। तो आप के कहोगे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और लगातार इन छोरियां ने मतलब सपोर्ट करो और भारत सरकार से भी कहना चाहोगे इन छोरियां तो लगातार प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि ये आगे बढ़े क्योंकि देखो बच्चों ने खुशी होगा कि हमने कुछ कराया है। तो इस मारे भारत सरकार से भी यही कहेंगे हम कि इन लड़कियां ने आगे बुलाओ इन प्रोत्साहित करो ये आगे बढ़ेंगी और अगर ये आगे बढ़ेगी तो कितना कितने हमारी संस्कृति भी बची रहेगी क्योंकि अगर ई बात करें डीजे पर आपने देखा होगा कैसे कैसे गाने चल रहा है क्यूकर चल रहा है लेकिन जो हमारे हरियाणा के लोग गीत होया करते वे अलग होया करते बिना किसी ताल के बिना किसी लय के खुद ऐसे गीत गाया करते जी लग गया करता है। आपने देखा भी होगा किसा जी लग गया है जी तो ऐसा करा तक देखे जाओ इनके गीत सुने जाओ है। तो जरूर बताइए आपका क्या कहना है और तस्वीर ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो फिर मिलेंगे जय हिंद।